Hello guys and welcome to Aficionado's Den where we stay in class. And guys, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल विस्की लेके आया हूँ. इट इज़ एन इंडियन सिंगल मॉल्ट एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब दैट एनीवन हैज़ ब्रॉट दिस विस्की ऑन यूट्यूब. सो यू हैव वॉच दिस द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन Aficionado's Den. सो ये वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो. This whiskey is from the house of Piccadilly Agro and इसकी मैं already एक दूसरी whiskey review कर चुका हूँ. Link would be in the I button. वो है Whistler, a very beautiful whiskey. I liked it a lot. And this whiskey is Indri. This is a single malt, Indian single malt whiskey. This is made in the Indri village. जहाँ पे इनका डिस्टिलरी है लोकेटेड एंड दिस इज़ इन द करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. तो बहुत ही अच्छा, इट इज़ वेरी क्लोज बाय टू यमुना एंड वहाँ पे दिस विस्की इज़ मेड. दिस विस्की इज़ मेड फ्रॉम 6 row बाले फ्रॉम राजस्थान, विच इज़ सोर्स्ड फ्रॉम राजस्थान, द नियरिंग स्टेट ऑफ हरियाणा. मेड इन द नदन प्लेन्स. तो यहाँ पे नदन प्लेन्स में आपको पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इस विस्की का एंजल्स शेयर भी ज़्यादा होता है. बट देन एज दे से इट इम्पार्ट्स अ वेरी गुड फ्लेवर एंड अरोमा टू द विस्की. नाउ द गुड पार्ट अबाउट दिस विस्की इज इट हैज़ बीन मैच्योर्ड इन नॉट 1, 2 बट 3 डिफरेंट कास्क्स टू गिव दैट फ्लेवर एंड दैट अरोमा टू द विस्की. इट चेंजेस द स्टाइल ऑफ द विस्की. It is matured in ex wine barrels, ex Pedro Ximenez sherry barrels and first fill bourbon barrels. तो इसमें तीनों barrels का एक अच्छा amalgamated सा बहुत ही अच्छा प्यारा influence है. And if I talk about the box, it is a white box with Indri written in Hindi. Indri basically means the 5 golden senses that we have. So in Sanskrit, Indri means sense. And moreover, there is a mention of Trini on the tube. Trini is basically the 3 casks that imparts its influence on the whiskey itself. So quite an interesting whiskey it seems. However, जब तक हम खोलेंगे नहीं, we would not get to know कि whiskey में क्या है और क्या नहीं. So let's go ahead, open it, unbox it, and let's see what the whiskey has to offer. So this is Indri for you guys. Let's unbox it. So guys, that's Indri for you. चलिए इसको खोलते हैं, pour करते हैं. Let's see what the whiskey has to offer. चलिए, let's go. Whiskey fireworks. Chill, let's give it a pour. Chill, let's get on to the tasting and let's see what this whiskey has to offer. Let's see. कलर के मामले में एक बहुत ही डार्क सा कलर है, बहुत ही ऑलमोस्ट डार्क एम्बरिश टाइप कलर है. लेट्स गेट ऑन टू द नोजिंग. क्वाइट एन इंटरेस्टिंग नोज. वाओ, इट्स रियली वंडरफुल. मुझे याद आ गया जब मैं अपना कोर्स कर रहा था वाइन्स का, तब मैंने उसमें ऐसी वाइन्स टेस्ट करी थी. इट्स सो अमेजिंग एंड सो डेलिकेट अरोमाज आर देयर. आई कैन गेट द अरोमाज ऑफ ब्लैक टी इन इट, विच इज़ क्वाइट अनयूजुअल फॉर अ विस्की टू रिफ्लेक्ट.
मुझे मुझे हनी के अरोमाज आ रहे हैं, मुझे रेजिन्स के अरोमाज आ रहे हैं, मुझे स्पाइसेस के अरोमाज आ रहे हैं, वनीला का बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है, ओकीनेस आ रही है इसमें, पाइनएप्पल्स, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर स्टूड पाइनएप्पल्स, मुझे बहुत ज़्यादा उसका अरोमा आ रहा है इसमें। एंड द बेस्ट पार्ट इज एट 42.8% ABV मुझे बिल्कुल भी नोज में अल्कोहल का बर्न नहीं दिख रहा इसमें, विच इज क्वाइट एन अनयूजुअल थिंग फॉर अ विस्की। इंडीड एन अमेजिंग नोज, मुझे हनी के नोट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मुझे वो रेजिन्स के नोट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मुझे डेट्स के नोट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, आई एम गेटिंग डेट्स इन इट, जो यूरोपियन कास्क्स में होता है एक स्पेसिफिकली जो यूरोपियन ओक से बने हुए कास्क्स होते हैं उसमें एक सटल स्पाइसीनेस होती है, मुझे वो आ रही है इसमें से। मुझे शेरी के नोट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं इसमें से, ऑफकोर्स इट हैज़ पीएक्स शेरी इन्फ्लुएंस इन इट, सो डेफिनेटली मुझे वो शेरी नोट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ब्यूटिफुल नोज, इंडीड अ वेरी वेरी गुड नोज, इतना अच्छा नोज मुझे बहुत कम विस्कीज में देखने को मिलता है। चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्टिंग, लेट्स सी की व्हाट दिस विस्की हैज टू ऑफर ऑन द पैलेट। एक स्वीटनेस तो अपफ्रंट है ही है, प्लस ओकीनेस वुडीनेस इन इट, एक हल्का सा पेपरी नोट है, वो स्ट्यूड पाइनएप्पल्स का फ्लेवर है, वेरी रिच वेरी नाइस बॉडीड फुल बॉडीड विस्की लग रही है मुझे। और लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड टेस्ट, लेट्स सी कि क्या मिस किया मैंने। मीडियम टू फुल बॉडीड फिनिश है, प्लस वुडीनेस और पेपरी नोट्स और फ्रूटी नोट्स, पाइनएप्पल के नोट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं इसमें। चलिए गाइस, दैट्स विस्की एज इट इज। अगर मैं बात करूं तो इसकी फिनिश जो है वो मीडियम है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है लॉन्ग, बट येस इट इज, इट हैज स्टिल गॉट अ मीडियम फिनिश टू इट। लेट्स एड अ डैश ऑफ वाटर टू इट, लेट्स सी कि क्या फ्लेवर्स में चेंज होता है, एनहांसमेंट होती है आफ्टर अ डैश ऑफ वाटर। चलिए लेट्स गेट ऑन टू द नोजिंग। Wow, now things have started opening up after a dash of water. I can get those citric aromas in it, in addition to that pineapple, that stewed pineapple, a bit of spices on the nose. I could get that woodiness on the nose, I could get hints of black tea on the nose, those sherry notes, in addition to that now I can get those citric notes as well, oranges jaise hote hain, marmalade for that matter. Chaliye let's get on to the tasting. That burnt pineapple, a bit of citrus in it, oakiness, woodiness, a bit of pepperiness on the palate. बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, बहुत ज़्यादा खुल के फ्लेवर आ रहा है with a dash of water. And let's get on to the second taste. Honeyed notes आ रहे हैं मुझे बहुत अच्छे फ्लेवर में. So
एक अच्छा बहुत ही माउथ फील है इसका, बहुत ही प्यारी विस्की है मेरे हिसाब से। तो अगर मैं इसके एफिशिनाडोज रिपोर्ट कार्ड की बात करता हूँ तो ऑन द प्राइस पॉइंट आई वुड गिव इट अ 9, बट ऑन द टेस्ट आई वुड डेफिनेटली गिव इट अ 9.5। अ वेरी ब्यूटिफुल विस्की इंडीड, मेरे ओपिनियन में इस बहुत अच्छी विस्की है और इस विस्की का एफिशिनाडोज नंबर होता है 9.25। सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप देखते हैं वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो आपको नए वीडियोज़ का पता लग सके। एंड प्लीज़ गाइज डू ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड एज यू से इन एफिशिएंट आडोज़ डेन, स्टे क्लासी एंड चीयर्स।